दिन और रात आपकी तशरीफ आप जी का बेहद शुक्रिया। आपसे उर्दू अकेडमी शुमाली अमेरिका की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, इसलिए कि मैं खादिम आला हूँ यहाँ का, तो मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे जब भी यहाँ पोडियम पे आने का मौका मिलता है मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये पौधा जो 23 साल पहले लगाया था थोड़ा सा मुरझाने लगा है, तो आपकी मदद चाहिए मुझे कि इसकी पानी का खुराक का बंदोबस्त करते रहें हम सब लोग मिलके इंशाल्लाह। एक जो आपसे दरख्वास्त है मेरी ख़ास, वो ये है कि हमें वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी आदत थी कि अगर दो लोग भी आ जाते थे तो मैं वक्त पर शुरू कर देता था, और बात यह कि मुझे जो लोग वक्त पे आते हैं मैं उनके वक्त का मुझे बहुत एहसास होता है, तो मैं उनकी इज्जत क्यों ना करूं जो वक्त पे आते हैं, मैं क्यों उनके लिए इंतज़ार करूं जो वक्त पे नहीं आते। ठीक है, आप लोग साथ हैं मेरे? बिल्कुल। आइंदा से मेरी दरख्वास्त है अरशद रशीद साहब से कि प्रोग्राम बिल्कुल 1 बजे शुरू कर दिया जाएगा। आप आ रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है आप क्या वक्त पे आ जाइए। ठीक है, तो मैं बस मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ दावत देता हूँ काजी साहब को कि तशरीफ लाएँ और कारोबार हयात संभालें। काजी अलीफ साहब, आपकी तालियों के साथ। शुक्रिया ताशी भैया, मैं तो समझ रहा था कि अब आप गुफ्तगू शुरू करेंगे। ख्वातीन व हज़रात, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है इस चांदनी में और जूम पर भी। इस प्रोग्राम में जो कुछ भी पेश किया जाएगा वो तंज़ मिजाज से मुतालिक है और मकसद आपकी तफरी तबा, दिल व दिमाग की शगुफ्तगी, हंसी मजाक वगैरह है। हमारी को पूरी कोशिश है कि शाइस्तगी और मेयार को बरकरार रखते हुए इस महफिल से हम सभी महसूस हों। मुझे रेख्ता YouTube और दूसरे ज़राए पर मौजूद जो किताबें, मजामीन और इंटरव्यूज़ इस मौजू पे मिले, उनसे हासिल करदा कुछ मालूमात मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि तंज़ मिज़ाह या सटायर एंड ह्यूमर इंसानी ज़िंदगी का हमेशा से एक लाजमी जुज़ रहे हैं। गोया हंसना हसाना इंसानी जबलत में शामिल है। जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती, मैंने तो हाथी को कभी हंसते हुए नहीं देखा। शायद इसीलिए मौलाना हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। उर्दू अदब में ज़राफ़त या तंज़ मिज़ाह की रवायत खासी कदीम है और ख़ुसूसन शायरी में तो ये रवायत इतनी ही कदीम है जितनी उर्दू शायरी खुद है, और ख़ुसूसन शायरी में तो ये चुनांचे अमीर खुसरो के यहाँ भी ज़रीफ़ाना रंग की छलक नज़र आती है। मसलन उन्होंने एक दोहे में कहा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। लेकिन कदीम दौर में जाफ़र ज़टल्ली ने सबसे पहले तंज़ मिज़ाह को अपनी शायरी में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के वक्त उनका कलाम बागियाना और इनकलाबी नौयत का था और इसमें इब्तज़ाल, हज्व, हज़ल, फहाशी, भक्कड़पन और गलाजत कसरत से पाई जाती थी। बादशाह फर्रुख सैर पर शदीद तंज में इन चीज़ों को इस्तेमाल करने पर जाफ़र ज़टल्ली को फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो ये था। उसके बाद
उसी नौ के कुछ और शायर भी हुए हैं जैसे चिरकी, जिनका ज़रीफ़ाना कलाम ज़्यादातर गलाज़त या टॉयलेट ह्यूमर या बैतुल खला का मजाक समझा जाता है और उसके सिवा कुछ नहीं। हालांकि कुछ शायराना फनकारी वगैरह उनमें मौजूद थी जो अब तक उनके दीवान चल रहे हैं। फिर एक सिलसिला वायज और नासे और ब्राह्मण और पंडित से छेड़छाड़ कर शुरू हुआ और इस तर्ज मिजाह में कुछ में अक्सर शोरा ने हिस्सा लिया, जैसे वली दकनी, मीर, मसफ़ी, आतिश, गालिब, हाली वगैरह। और जैसे मीर ने कहा, शिरकत शेख ब्राह्मण से मीर, काबा व दायर से भी जाइए। मीर के ऊपर हज थी इनकी। साथ ही एक और हजवियात की भी चली जिसमें सौदा, नज़ीर अकबर आबादी, इंशाल्लाह खानशा वगैरह सब बहुत आगे आगे नज़र आते हैं। सौदा ने मीर की जो हज लिखी थी उसका एक और शेर देखिए, हर वर्क पर है मीर की इसलाह, लोग कहते हैं सहव कातिब है। एक्चुअली ये थी उनकी हज, मैं गलत पढ़ गया था पहले। उस दौर में सिर्फ गालिब के खतूत तंज ज़राफ़त का बेहतरीन नमूना है नसर निगारी में, शायरी से अलग। नसर के मैदान में उसके अलावा मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता जो उस वक्त उस दौर में ज़राफ़त की गई हो। है ये सिलसिले तो चलते रहे लेकिन उर्दू शायरी और नसर निगारी में तंज व मज़ाक और ज़राफ़त का बाकायदा और भरपूर आगाज 1877 में हुआ जब मुंशी सज्जाद हुसैन ने लखनऊ से अवध पंच नामी रसाले या अखबार का इजरा किया। इसमें ये एक ज़ोरदार तहरीक थी, असल में ये एक ज़ोरदार तहरीक थी जिससे बढ़ती हुई मगरबियत, उबरती हुई ग़ुलामाना ज़हनियत, अंग्रेज़ों के नाजायज़ गलबे, सॉरी मैं माइक के करीब आ जाता हूँ, सॉरी अब आ रही है आवाज़। तो अवध पंचनामी रिसाले का इजरा हुआ। असल में ये एक ज़ोरदार तहरीक थी जिसने बढ़ती हुई मगरबियत, उभरती हुई ग़ुलामाना ज़हनियत, अंग्रेज़ों के नाजायज़ कब्ज़े और गलबे और उनकी तकलीद के भूणी तकलीद के मज़मरात को हदफ़े में तंज मिज़ाह बनाने की सही की। अवध पंच के अहम तन्नाज व मज़ाह निगारों में अकबर इलाहाबादी, त्रिभुवन नाथ हिजर, अब्दुल गफूर शहबाज, मिर्ज़ा मच्छू बेग, ज़रीफ़ लखनवी वगैरह शामिल हैं। अवध पंच के मौजूआत में शामिल सर सैद पर तलख तुरश ज़रीफ़ाना हमले बहुत नुमायाँ हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा, कर गए थे हजरत सैद अकीदों को दुरुस्त, चरख ने रस्मों का भी आखिर सफाया कर दिया। अवध पंच ने नस्र निगारी में ज़राफ़त को जो फ़रोग दिया नस्र निगारी में, वो भी एक बड़ा कारनामा है कि उसे आगे चलकर बहुत से बजलासंज, इंशा परदाज और फिकाही अदब के जगमगाते सितारे नमदार होना शुरू हो गए, जैसे फरहतुल्ला बेग, रतन नाथ सरशार, सज्जाद हैदर यलदरम, कन्हैया लाल कपूर, ख्वाजा हसन निज़ामी, अजीम बेग चुगताई, शौकत थानवी, रजब अली बेग सुरूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद दहलवी, शफीक़ुररहमान, इबन इंशा, मुशतबा हुसैन, चिराग हसन हसरत, कर्नल मोहम्मद खान, मुश्ताक अहमद यूसफी, अनवर मकसूद वगैरह वगैरह। ये सिलसिला बदस्तूर ज़ोर शोर से जारी है। यहाँ ज़िया मुहीद्दीन और उनकी पढ़ंत का जिक्र भी होना चाहिए कि जिससे बहुत से बड़े लिखने वालों की मज़ाहिया तहरीरों में जान पड़ गई और चार चांद लग गए। अलबत्ता शायरी में मज़ा नसर निगारी के मुकाबले में शायरी में मज़ा निगार
نسبتاً اس رفتار سے نہیں آئے جیسے نثر لکھنے والوں میں آئے، پھر بھی کچھ بڑے ناموں نے اس میں تباہ آزمائی کی، جیسے علامہ اقبال، انہوں نے بھی اکبر الہ آبادی کے طرز پہ شروع کیا تھا طنز، جوش ملی آبادی وغیرہ. شاعری میں باقاعدہ ظرافت نگاری کے کچھ اور مزید جانے پہچانے نام دیکھیے: سید محمد جعفری، مجید لاہوری، سید ضمیر جعفری، دلاور فگار، خالد رفان، ساغر خیامی، راجہ مہدی علی خان، ضیاء الحق قاسمی، پاپولر میرٹھی، خامخواہ حیدرآبادی، انور مسعود وغیرہ. اکثر مزاح نگاروں نے ایہام گوئی، بھکتی، تضمین اور پیروڈی وغیرہ کو بہت خوبی سے استعمال کیا ہے اپنے کلام میں. آج کے پروگرام میں ان میں سے کچھ کے کلام اور تحریریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ظاہر ہے وقت کی کمی کے باعث بہت سے شعرا اور قلمکار اس میں شامل نہیں کیے جا سکتے، شاید پھر کبھی ہم ایسا کر سکیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ہمارے پہلے شاعر ہیں سید محمد جعفری. 1905 میں بھرت پور میں پیدا ہوئے، 1976 کراچی میں انتقال ہوا. پریس اور ریڈیو سے منسلک رہے، دہلی، کراچی، لاہور وغیرہ میں، تہران میں پریس سیکرٹری بھی تھے. صاحب اسلوب شاعر، تقریباً 900 نظمیں لکھیں، کلاسیکی شاعری کا رنگ لیے ہوئے. غالب، نذیر اکبر آبادی اور اقبال کے مصروں کی تضمین کے لیے خاصے مشہور. ظرافت بھرا کلام، دو مجموعے شوخیہ تحریر اور تیر نیم کش شائع ہوئے. اس کے علاوہ کلیات سید محمد جعفری بھی. مشاعروں میں ان کا پڑھنے کا انداز بے حد اچھوتا جداگانہ تھا، اور یہ انداز بہت مقبول ہوا ان کے وقت میں، اور اس سے وہ اکثر مشاعرے لوٹ لیا کرتے تھے. سید محمد جعفری صاحب بہت مہذب، باغ و بہار، زندہ دل شخصیت. تو آئیے ان کے بہت سی نظمیں ہیں اور مزاحیہ کلام ہے ان کا، لیکن میں نے ایک جو چنا ہے اس میں سے کچھ بند پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مرزا غالب فلم سازوں میں، اور غالباً آئے تھے جنت سے پے سیر و سفر، غالباً آئے تھے جنت سے پے سیر و سفر، فلم سازوں کی مگر پڑ گئی غالب نظر، کیمرے گھوم گئے چار طرف مثل شرر. میرزا نوشا کی یہ حالت، میرزا نوشا کی یہ حالت تھی، ادھر تھے نہ ادھر. آئینہ خانے میں غالب کا یہ ارماں نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھیوریاں نکلا. یہ غالب کے مصرے استعمال کیے تھے، غالب کا ایک مصرہ ہے. پہلے مرزا نے یہ سمجھا کہ میں جنات میں ہوں، فلیش لائٹ جو پڑی بولے تلسمات میں ہوں. پھر اندھیرا ہوا، کہنے لگے ظلمات میں ہوں، مبتلا اپنے گناہوں کی مکافات میں ہوں. ایسے ہونے سے تو اچھا تھا نہ ہونا غالب، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب. ایکٹریس اے ایسی کہ میک اپ میں نہ تھی جس کی مثال، جام جم بن گیا میک اپ کے سبب جام سفال. جام سفال مٹی کا، اور جام جم تو چمکتا رہتا ہے. اس نے بڑھ کر کیا مرزا غالب سے سوال، ہم نے مانا کہ غزل لکھنے میں رکھتے ہو کمال،
हमने माना कि गजल लिखने में रखते हो कमाल। चौपड़ी चार पढ़ी ली हूँ तो क्या है झगड़ा, काम रखती हूँ अपन फिल्म के अंदर तगड़ा। अपनी पिक्चर में नई धुन जो देवे रगड़ा, फिर वो बेपार हो जिसमें न हो कोई लफड़ा, फिर वो बेपार हो जिसमें न हो कोई लफड़ा। जिससे मिल जाए पगार उसके अपन हैं तालिब, रेखते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेखते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब। मिर्जा नौशा ने सुना ये तो हुआ उनको मलाल, अल्लाह अल्लाह है उर्दू ए मुअल्ला का ये हाल। इतने में गाने लगा कोई जो धुर पद में ख्याल, इतने में गाने लगा कोई जो धुर पद में ख्याल। देखा अल्फाज को टूटी हुई हालत में निढाल, क्या जमाना है ये कैसी सुखनाराई है, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। और आखिरी बंद है, और दो चार सुने गीत तो गालिब ने कहा, मनसबे शेफ्तगी के कोई काबिल न रहा, मनसबे शेफ्तगी के कोई काबिल न रहा। शायरी कत्ल हुई रेख्ते का खून बहा, जीते जी हमने सुना जुल्म न ऐसा न सहा। कौन कर सकता है उर्दू से वफा, मेरे बाद बारे आराम से हैं अहले जफा, मेरे बाद बारे आराम से हैं अहले जफा, मेरे बाद। शुक्रिया बहुत। इन्होंने वो इबलीस की फरियाद और इकबाल से शिकवा बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी, बड़ी मज़े उनका अंदाज जो था, मैंने कुछ कोशिश की बहुत अच्छी कोशिश की मैंने सुना है मुशायरे में। जी 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 तो अब देखना ये है इसकी आवाज़ आ रही है ओके। तो हमारे दूसरे शायर जो हैं, हमारे दूसरे शायर हैं जो असल में पहले होने चाहिए इस प्रोग्राम का, क्योंकि ये बाबा आदम है तंज और मज़ार निगारी के, अकबर इलाहाबादी, अकबर आजम। अकबर इलाहाबादी 1846 इलाहाबाद में पैदा हुए, फिर 1921 इलाहाबाद में इंतकाल हुआ। उर्दू ज़बान और हमारी तहजीब के बड़े मजबूत और दिलेर शायर, उनकी शायरी उनके ज़माने और ज़िंदगी का आईना है। अक्सर अकबर बैक वक्त रवायती बागी इनकलाबी मुसल्ले तन्नास ज़र्फ निगार और ज़बानदान थे। राना साहब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। उनके कलाम में खुश फिक्री बजला संजी ज़बान ख्याल पर कुदरत लफ्स और मानी को समझना, मुख्तलिफ मुकामात पर सेशन जज रहे और जज के उहदों पर फायज रहे। 1907 में खान बहादुर का खिताब पाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फेलो भी रहे। अकबर को शायरी में तंज व ज़राफ़त का बादशाह माना जाता है। उन्होंने मुस्तकबिल के शायरों के लिए नई राहें हमवार की, ख़ासकर मज़ा निगारी में। तो ये ज़ेबा रिज़वी साहबा पढ़ने वाली हैं, मौजूद हैं, देखिए जी। ज़ेबा नहीं है जी, ज़ेबा नहीं मौजूद। ओहो, ये तो बड़ी, आप सुना दीजिए अगर आपके पास है इम्पोर्टेंट।
अकबर इलाहाबादी का पढ़ना तो बड़ा अहम था। खैर मेरे पास कुछ है उनका, मैं कुछ सुना देता हूँ आपको। तो ज़ेबा साहबा जो पढ़ने वाली थी वो नई तहजीब एक नज़्म है उनकी। ये मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्क अदम होंगे। ये जब दो तहजीबें मिल रही थी, यू नो वेस्टर्न मगरबी तहजीब आ रही थी और हमारी तहजीब काफ़ी ख़तरे में पड़ गई थी और अकबर को इसका एहसास हो गया था, तो उन्होंने ये महसूस करते हुए कि हमारी तहजीब पिट जाएगी क्योंकि ये बड़ी ताकतवर तहजीब आ रही है वेस्ट में और उसमें दब जाएगी, तो उसको उन्होंने इस तरह से पेश करना शुरू किया। लोग तकलीद कर रहे थे वगैरह, तो उसको इस तरह से पेश किया तंज़ो मिज़ाह में कि लोगों को कम अज़ कम शऊर और एहसास हो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ये मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। न उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फों में न गेसू में ये खम होंगे। खबर देती है तहरीके हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा मगरबी पुतले सनम होंगे। बहुत होंगे मुगन्नी नगमा तकलीद यूरप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल सम होंगे। गुज़िश्ता अजमतों के तस्करे भी रह न जाएंगे, किताबों ही में दफन अफसाने जाहो हशम होंगे। किसी को इस तगैर का न हिस होगा न गम होगा, हुए जिस सास से पैदा उसी के जेरो बम होंगे। तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ऐ अकबर, बहुत नज़दीक हैं वो दिन के तुम होगे न हम होगे। उनके कुछ शेर जो ज़ेबा साहब पढ़ने वाली थी तो मैं पेश करता हूँ। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा और आपको आता क्या है। फिर एक शेर है, मजहबी बहस में मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। फिर वो है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहब औलाद हो गए। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से। हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। फिर एक और है, हकीकी और मजाजी शायरी में फ़र्क ये पाया कि वो जामे से बाहर है ये पाजामे से बाहर है। वो जामे से बाहर, जो वक्ते खतना मैं चीखा तो नाई ने कहा हंस कर, मुसलमानी में ताकत खून ही बहने से आती है। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, वसल का दिल से मेरे अरमान रो सके। फिर ये कि बताऊं आपको मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फाजा होगा। लीडरों की धूम है और फॉलोअर कोई नहीं, सब तो जनरल हैं यहाँ, आखिर सिपाही कौन है। शेख अपनी रग को क्या रेशे को क्या करें,
मजहब के झगड़े छोड़ें तो पेशे को क्या तो मजहब के झगड़े छोड़ हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर रहमान के फरिश्ते गो हैं बड़े मुकद्दस शैतान ही की जानिब लेकिन मेजॉरिटी है दावा बहुत बड़ा है रियाजी में आपको दूल्हे शबे फिराक को तो नाप दीजिए तो ये कुछ